मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत महादेव का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व पंचायत समिति सदस्य दौलतराम की अगुवाई में एसडीएम सुंदरनगर से मिला और सीएम को ज्ञापन पत्र भेजा गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने महादेव पंचायत को टीसीपी एक्ट से बाहर करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि महादेव पंचायत प्रधान ने सर्वे करने का एनओसी विभाग को प्रेषित किया है। उन्होंने बताया कि यह केवल प्रधान ग्राम पंचायत महादेव की अपनी महत्वाकांक्षा है। महादेव निवासियों को इस संबंध में विश्वास में नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि महादेव एक ग्रामीण इलाका है और यह सुंदरनगर से 3 किलोमीटर व मंडी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महादेव पंचायत की भूमि बहुत ही उपजाऊ व नकदी फसलों पर आधारित है और यहाँ पर न कोई औद्योगिक क्षेत्र है और न ही यहाँ कोई सरकारी व सार्वजनिक सुविधा या आवासीय योजना है। यहाँ छोटे छोटे गरीब किसान कामगार पेशे के लोग रहते हैं जिनके लिए मौजूदा टीसीपी नियम के प्रावधान परेशानी डाल सकते हैं, इसलिए महादेव ग्राम पंचायत से टीसीपी नियम हटाना ही उचित है। उन्होंने बताया कि महादेव ग्राम पंचायत से इस एक्ट को जो कांग्रेस सरकार द्वारा ग्रामीणों पर जबरदस्ती थोपा गया था उसे रद्द कर आदेश जारी किया जाए ताकि निवासियों को इससे छुटकारा मिल सके। जो मौजूदा टीसीपी एक्ट ग्रामीण क्षेत्र में लागू किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। हर डोर टू डोर जाकर लोगों ने साइन किए हुए हैं जो आज मुख्य एसडीएम साहब के पास ज्ञापन दिया जा रहा है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र में लागू नहीं होना चाहिए। और हमारी जो ग्राम पंचायत महादेव टीसीपी एक्ट का कहना ये है कि जो ग्राम पंचायत महादेव मौजूदा जो प्रधान हैं उन्होंने सर्वे के लिए बिना अनुमति से उनको ये सर्वे के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, जबकि महादेव वो ग्राम पंचायत प्रधान की अपनी महत्वाकांक्षा है, महादेव निवासियों की नहीं।